हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से फिल्मोरा 13 के अंदर आप अपने वीडियो की लैंग्वेज को किसी दूसरी लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं तथा उस लैंग्वेज में उस वीडियो का सबटाइटल कैसे जनरेट कर सकते हैं और उस सबटाइटल को कैसे एडिट कर सकते हैं, इस पर हम डिटेल से बात करने वाले हैं। और ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है उन सभी क्रिएटर्स के लिए जो कि यूट्यूब के लिए, इंस्टाग्राम या फेसबुक के लिए वीडियो बनाते हैं और उस वीडियो के लैंग्वेज को चेंज करके अपलोड करना चाहते हैं। तो ये कार्य आप फिल्मोरा 13 में बहुत आसानी से कर सकते हैं। और अभी हमारा ये कोर्स चल रहा है जिसमें हम बात करने वाले हैं फॉर वन कॉन्सेप्ट ओनली वन वीडियो, जिसमें से आज हमारा पार्ट नंबर वन होने वाला है जिसमें हम बात करने वाले हैं कि फिल्मोरा 13 के अंदर कैसे AI ट्रांसलेशन का यूज किया जाता है। और इस वीडियो को मैंने मल्टीपल चैप्टर के अंदर डिवाइड किया है। अगर आप किसी चैप्टर को छोड़ के किसी नेक्स्ट चैप्टर पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प मिल जाएंगे, वहां पे क्लिक करके आप किसी दूसरे कॉन्सेप्ट या किसी दूसरे टॉपिक पर जा सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कुछ आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं कि किस प्रकार से AI ट्रांसलेशन का यूज किया जाता है फिल्मोरा 13 से और उससे क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक वीडियो क्लिप लिया है जो कि मैं आपको प्ले करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी डिस्कस व्हाट इज द आइकन। यहाँ पे अभी देख रहे हैं कि ये वीडियो जो है इंग्लिश में बोला जा रहा है। अब इसी वीडियो को मैं यहाँ पे ट्रांसलेट किया है, अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं। तो आपने देखा उसी वीडियो को मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया बहुत आसानी से और उसका यहाँ पे सबटाइटल भी लिख के आ रहा है जिसको अभी हम एडिट करके आपको दिखाने वाले हैं कि किस प्रकार से सबटाइटल को चेंज किया जाता है। अब इसी प्रकार से एक मैंने दूसरा वीडियो लिया है जो कि मैंने हिंदी में बोला है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपने देखा कि ये मैं हिंदी में बोल रहा हूँ लेकिन मैंने इसको ट्रांसलेट किया है। ट्रांसलेट करने में देखो ये इंग्लिश में मैंने कर दिया, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने वीडियो की किसी भी लैंग्वेज को किसी दूसरी लैंग्वेज में बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं फिल्मोरा 13 के अंदर। अब हम आपको एक थोड़ा सा लाइव प्रूफ के साथ में दिखाते हैं कि कैसे कार्य किया जाता है। तो यहाँ पे हम एक क्लिप लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे आप किसी भी लैंग्वेज को किसी दूसरी लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे मान लो मैंने एक ये वीडियो लिया है जिसको मैं यहाँ पे टाइमलाइन में ड्रैग करके ले आता हूँ और इसकी छोटी सी क्लिप ले लेता हूँ, ज्यादा बड़ी मैं क्लिप नहीं लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस क्लिप को यहाँ से पूरा इधर के पार्ट को क्रॉप कर देता हूँ, मतलब हटा देता हूँ। अब इस क्लिप पे आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है और माउस की राइट बटन को क्लिक करना है। जैसे माउस की राइट बटन क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाता है आपको AI ट्रांसलेशन। AI ट्रांसलेशन के ऊपर जब क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा, यहाँ पे लिखा है ऑटो मैच। ऑटो मैच का मतलब जो आपकी सोर्स लैंग्वेज होगी, जिस भाषा में होगी, जैसे कि मेरी हिंदी में है तो इसने ऑटोमेटिक हिंदी में सेलेक्ट कर लिया। अब आप किस लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं ये यहाँ पे आपको टारगेट लैंग्वेज सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि टारगेट लैंग्वेज में अभी इंग्लिश है, जर्मन है, स्पेनिश, फ्रेंचाइजी, जो भी आप चाहे कर सकते हैं, मैं इंग्लिश ही रख लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप देखें ट्रांसलेशन टाइप जो है ट्रांसलेशन वॉइस एंड टेक्स्ट है, आप यहाँ पे चाहे तो ओनली ट्रांसलेट टेक्स्ट कर सकते हैं या केवल वॉइस और टेक्स्ट दोनों कर सकते हैं। देखो मैं चाहता हूँ कि जो मैं बोलूँ वो लिखकर भी साथ में आए तथा वो दूसरी लैंग्वेज में आए, तो इसलिए मैं यहाँ पे वॉइस ट्रांसलेट एंड वॉइस टेक्स्ट दोनों रख लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको सिंपल से क्या ट्रांसलेट के ऊपर क्लिक करना होता है। जैसे ट्रांसलेट के ऊपर क्लिक करते हैं ये पहले क्या होता है अपलोडिंग स्टार्ट होती है और यहाँ पे आप देख सकते हैं 50% 100 हुआ था। इसके बाद फिर ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है। ट्रांसलेशन में थोड़ा सा टाइम ले सकता है, अगर आपके इंटरनेट की स्पीड बहुत स्लो है तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। जब तक यहाँ पे ट्रांसलेट होता है मैं आपको इसका एक और अच्छा बेनिफिट बता देता हूँ कि मान लिया आपने कोई मूवी डाउनलोड किया है और वो मूवी इंग्लिश के अंदर है या कोई व्यक्ति कुछ बोलता है वो इंग्लिश में बोलता है लेकिन आप चाहते हैं उसकी लैंग्वेज को हिंदी में सुनना,
तो आपको क्या करना है, उस वीडियो को फिल्मोरा के अंदर लाना है और उसको अपनी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट कर लेना है, जिससे आप उसकी लैंग्वेज को आसानी से समझ सकते हैं कि उसने क्या बताया। क्योंकि कभी कभी ऐसे स्थान पे आप जाते हैं या ऐसी कुछ आप मूवी देख लेते हैं जो कि मूवी हिंदी के अंदर अवेलेबल नहीं होती है, या हिंदी में होती है वो इंग्लिश में नहीं होती है, लेकिन आप उस मूवी को किसी दूसरी भाषा में देखना चाहते हैं जो आप जानते हैं, तो उस मूवी को बहुत आसानी से उस भाषा के अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन होता है एआई ट्रांसलेशन का। तथा दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आप इसका यूज ये कर सकते हैं कि आप किसी भी वीडियो के सबटाइटल को जेनरेट कर सकते हैं, जिससे जब वीडियो में जो चीजें लिख लिख के आती हैं तो जब भी कोई वीडियो आपका देखता है तो उसको ज्यादा समझ में आ जाता है। तो ये कि इसका ये भी एप्लीकेशन होता है। तो अभी आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे लगभग कंप्लीट हो चुका है एआई जेनरेट। अब हम इसको यहाँ पे क्या करते हैं, इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा वीडियो है जिसमें ये मेरी मेन जो है वीडियो था। इस वीडियो को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा इसको क्या करता हूँ कॉपी कर लेता हूँ आल्ट से, और इसको मैं इधर रख देता हूँ। इधर रखने से क्या है, इसकी ऑडियो जो यहाँ पे नहीं है कोई बात नहीं, ऑडियो क्योंकि मैंने इसको हटा ही दिया था यहाँ से, तो आप चाहे तो इसकी ऑडियो को यहाँ पे पुनः लाने के लिए आप यहाँ से इस वीडियो को ला सकते हैं या कोई। ठीक, तो अभी हम सुनाते हैं कि मेरा वीडियो तो हिंदी में था लेकिन अब किस प्रकार से इसकी लैंग्वेज कन्वर्ट हो गई है। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा इसकी लैंग्वेज ही कन्वर्ट हो गई है। अब लैंग्वेज जब कन्वर्ट हो गई है तो ये इस प्रकार से आप इसकी लैंग्वेज को कन्वर्ट बहुत आसानी से कर सकते हैं किसी वीडियो की भी। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं कि इसमें ये जो टाइटल आता है इसमें कैसे आप एडिटिंग कर सकते हैं। तो इस टाइटल पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे यहाँ पे देखो टाइटल आ गया। अब ये टाइटल देखो, हेलो फ्रेंड्स टूडे वी आर ऑन द डिस्क, इस प्रकार से। अब इसमें आप थोड़ा सा आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, जैसे डिस्क है हेलो फ्रेंड्स वी टॉक अबाउट दिस टॉपिक वगैरह जो भी है। तो इसमें आप इसको चाहे तो ड्रैग करके जहां पर भी ले जा सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप इधर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रीसेट पे जाएंगे, यहाँ से आप इसकी ये चेंज कर सकते हैं और इनको यहाँ से आप बड़ा कर सकते हैं थोड़ा सा इस प्रकार से, जितना बड़ा चाहें इस प्रकार से बड़ा आप कर सकते हैं। इसको मैंने बड़ा कर दिया यहाँ से है, और इसके कलर को आप यहाँ से अलग अलग कलर मिल जाएंगे, मल्टीपल आप जो भी कलर यहाँ पे लेना चाहें उस कलर को इसको दे सकते हैं, जैसे ये कलर मैंने दे दिया। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन आएगा सेव एज टेम्पलेट्स, तो अगर आप सेव चाहे तो कर सकते हैं। अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करेंगे तो पूरा जितना यहाँ पे टाइटल सब पे अप्लाई हो जाएगा, अगर केवल एक पे करेंगे तो एक पे रहेगा। तो मैं अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करता हूँ तो ये सभी पे अप्लाई हो जाएगा, सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो प्ले करेंगे तो अभी देखेंगे मेरा टाइटल यहाँ पे इस प्रकार से पूरे पे लिख के आता है। तो इस प्रकार से आप जो यहाँ पे एक वीडियो को दूसरी भाषा में कन्वर्ट कर सकते हैं तथा उसके टाइटल को भी एडिट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हम लोगों ने डिटेल से समझा कि किसी भी वीडियो को किसी दूसरी भाषा में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उसके क्या क्या फायदे होते हैं, उस पर हमने कुछ एग्जाम्पल भी आपको लाइव प्रूफ के साथ में दिखाए हैं, तथा हमने देखा कि कैसे उस सबटाइटल को आप एडिट कर सकते हैं। तो अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में, जब तक के लिए